तो हेलो सलाम नमस्ते कैम छो, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ माथेरन में। पीछे जो आपको गेट दिख रहा है ये माथेरन का एंट्री पॉइंट है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ माथेरन की सैर। माथेरन जो है वो महाराष्ट्र का सबसे टॉप का बढ़िया हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। तो वीडियो जब स्टार्ट हुआ तो आपने जो पॉइंट देखा था, जो सीन देखा था स्टार्टिंग में, वो नेरल का था। नेरल से माथेरन की जो एंट्री है, ये जो एंट्री है ये 7 किलोमीटर ऊपर पड़ती है, चढ़ना पड़ता है और काफ़ी ऊँची चढ़ाई है। फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही गाड़ी चलती है। तो यहाँ से एंट्री की हमने, नीचे से नेरल से हम ऊपर आए 7 किलोमीटर की चढ़ाई करके। और ये यहाँ पर टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, यहाँ से आप टैक्सी हायर कर सकते हो, बुक कर सकते हो। 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है टैक्सी का, इंडिविजुअल का। और अगर आप पूरा बुक करोगे टैक्सी को तो 500 से 600 रुपये लेते हैं। और ये है माथेरन का एंट्री पॉइंट। ये गेट बना हुआ है, यहाँ पर टिकट विंडो है। तो यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है माथेरन का, जो कि 50 रुपये का एंट्री टिकट होता है। और इस तरफ ये पार्किंग है, यहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की है। 4 व्हीलर का 100 रुपये लगता है आपको एक दिन का। माथेरन पूरे एशिया का पहला ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं है। तो अगर आपको माथेरन जाना है तो आप यहाँ से टॉय ट्रेन लेके जा सकते हो, यहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है। इसके अलावा अगर आपको चल के जाना तो चल के जा सकते हो, या फिर आप घोड़ा कर सकते हो। घोड़े वाले जो है वो 500 रुपये के आसपास लेते हैं, ऊपर आपको ले जाएंगे और थोड़ा 2-4 पॉइंट दिखाएंगे। ये जो टॉय ट्रेन है वो पहले नेरल से चलती थी, जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। 2020 में जब निसर्ग साइक्लोन आया था तो ये पूरा जो रूट था टॉय ट्रेन का वो पूरा ख़राब हो गया था। तो फिलहाल अभी नेरल से टॉय ट्रेन बंद है, तो आपको अमन लॉज से टॉय ट्रेन लेनी पड़ती है। तो अभी चलते हैं अंदर यहाँ से। ये पीछे का मैंने आपको गेट दिखा दिया, एंट्री पॉइंट है ये। टिकट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और टिकट का चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आप, 50 रुपये की टिकट है और बच्चों की 25 रुपये की है। तो टिकट चेक करवा के मैं अंदर आया हूँ। और ये MTDC का रिसोर्ट है, देखो आप पास में बिल्कुल। और यहाँ से ये अंदर एंट्री करने के लिए रास्ता है, और ये रास्ता जाता है आगे माथेरन के लिए। तो ये एंट्री है माथेरन की, देखो आप, एंट्री काफ़ी सुंदर है। तो ये गेट है देखो आप, ये अमन लॉज का एंट्री पॉइंट है। और ये जो है वो सामने टिकट विंडो है, यहाँ से हमें टॉय ट्रेन का टिकट मिलेगा। तो टिकट लेते हैं यहाँ से। तो ये टिकट विंडो है, और ये यहाँ पर टिकट का प्राइस लिखा हुआ है, 305 रुपये का फर्स्ट क्लास का टिकट है, और नॉर्मल टिकट 45 का है। और जो 305 का टिकट है वो बच्चों के लिए 180 का है, और 45 वाला 30 का है। और ये टाइमिंग है देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, 8:40 से ट्रेन स्टार्ट होता है, उसके बाद में हर 1-1.5 घंटे में ट्रेन है। तो ये टिकट विंडो मैंने आपको दिखाई, यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है। और अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, गाड़ी खड़ी है लगभग, और उसमें सफ़र करेंगे बढ़िया टॉय ट्रेन का, जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है। तो ये गेट बना हुआ है, वेलकम टू माथेरन लिखा है, और ये है वो टॉय ट्रेन। तो ये जो टॉय ट्रेन है वो लगभग 100 साल से चलती है, अंग्रेज़ों के समय से चलती है। इंजन का काफ़ी शोर है यहाँ पर। तो ये सफ़र करने वाले हैं माथेरन का, और इनके साथ हम भी सफ़र करने वाले हैं आगे। तो अभी ये टॉय ट्रेन निकलेगी यहाँ से, लगभग 15 मिनट का होल्ड रहता है इसका। अमन लॉज से माथेरन 2 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये ट्रेन 15 मिनट में आपको पहुँचा देती है धीरे धीरे। तो इस टॉय ट्रेन का जो 2 किलोमीटर का सफ़र है वो काफ़ी मज़ेदार होता है, एकदम आराम से धीरे धीरे आपको ये ट्रेन लेके जाती है। आप नज़ारों का आनंद लेते हो तो काफ़ी बढ़िया लगता है। झंडी दिखा रहे हैं देखो आप, ट्रेन निकलने वाली है, आगे और पीछे दोनों तरफ से झंडी दिखा रहे हैं। तो मैं पहुंच गया हूं माथेरन स्टेशन पर। ये देखो आप, पीछे लिखा हुआ आई लव माथेरन। तो ये माथेरन स्टेशन है आगे की तरफ, यहां पर मैं उतरा हूं। लगभग 12 से 15 मिनट लगा मुझे अमन लॉज स्टेशन से माथेरन स्टेशन आने पर। और ये ट्रेन पीछे जा रही है, टॉय ट्रेन फिर से अमन लॉज के लिए। तो ये माथेरन स्टेशन था जो मैंने आपको बताया, और यहाँ से बाहर निकलते ये नज़ारा है देखो आप। ये पूरा मार्केट है यहाँ का माथेरन का, ये सारी दुकान वगैरह है, कैंटीन है, रिसोर्ट वगैरह है, होटल्स वगैरह हैं इस तरफ में।
और आपको घोड़े वगैरह चाहिए तो भी यहाँ मिल जाते हैं स्टेशन के बाहर ही। तो ये हाथ गाड़ी है, देखो आप अगर आप हाथ गाड़ी में घूमोगे तो लगभग 500 रुपये में आपको ये 5 पॉइंट करवाएंगे मेन वाले। उसके अलावा अगर आप 12 पॉइंट करोगे दूर दूर वाले तो लगभग 1500 रुपये के आसपास लेते हैं ये। और यहाँ पर ये मैप बताया हुआ है देखो माथेरन का, माथेरन में अगर आप आते हो तो कहाँ पे कौन से पॉइंट है, कहाँ पर घूम सकते हो, और यहाँ पर ये सारी डिटेल लिखी हुई है देखो आप। यहाँ पर बैंक वगैरह भी है, ATM भी है, सब कुछ है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सारे रेस्टोरेंट है, होटल है और काफ़ी सारे रिसोर्ट भी है यहाँ पर। तो माथेरन आने का बेस्ट टाइम विंटर का टाइम है, नवंबर से लगा कर फरवरी का। और अगर आपको बारिश पसंद है, बारिश का मानसून को एंजॉय करना है, तो ये वाला सबसे बेस्ट टाइम है, जुलाई अगस्त वाला। ऊपर ये छोटे छोटे विलेज बने हुए हैं, हल्के से लोग यहाँ पर रहते भी है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी मुझे कि यहाँ पर किसी तरह का व्हीकल अलाउ नहीं है, आपको यहाँ पर कोई व्हीकल नहीं दिखेगा, 2-व्हीलर 4-व्हीलर कुछ भी नहीं। स्टेशन से लगभग 300-400 मीटर चलते हैं तो ये गार्डन आता है, नौरोजी लॉर्ड गार्डन। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है नीचे वैली का, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बाकी ये पूरा गार्डन है, अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो काफ़ी अच्छा है ये। ये पूरा गार्डन है, वहाँ से एंट्री की है पीछे से हमने, और यहाँ पर ये माधव जी पॉइंट आ जाता है इस गार्डन का, इसको ही बोलते हैं माधव जी पॉइंट। तो यहाँ से नीचे का नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिखता है। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है चाय नाश्ता करने के लिए, और ये माधव जी पॉइंट है देखो आप, यहाँ से नीचे इस तरह से दिखता है ये नज़ारा। तो ये माधव जी गार्डन और माधव जी पॉइंट था, अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है देखो आप, अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है, और अभी यहाँ पर होटल है, रुचा होटल लिखा हुआ है देखो आप, हेरिटेज होटल है ये। ये माधव जी जो गार्डन मैंने आपको बताया, माधव जी पॉइंट उसके बिल्कुल सामने है। तो पीछे यहाँ पर BSNL का टॉवर लगा हुआ है, तो आपको नेटवर्क मिल जाता है ऊपर आने के बाद। नीचे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है दस्तूरी नाका पर, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लेकिन ऊपर आने के बाद फिर भी आपको नेटवर्क मिल जाता है। यहाँ पर भी ये देखो नक्शा बना हुआ है, ये देखो अभी हम इस वक्त यहाँ पर, ये फन टाइम जो लिखा हुआ है चिक्की, यहाँ पर हूँ मैं अभी, इसके पास में खंडाला पॉइंट है। नीचे काफ़ी सारे पॉइंट है, अलेक्जेंडर पॉइंट, रामबाग पॉइंट, सनराइज पॉइंट, लेकिन ये मॉर्निंग के, मुझे यहाँ बताया अगर आप मॉर्निंग में आते हो जल्दी तो यहाँ पर जाओ, लेकिन अभी लगभग दोपहर हो चुकी है, तो अभी मैं यहाँ से खंडाला पॉइंट जाऊँगा सबसे पहले, खंडाला पॉइंट से फिर मैं आपको लेके जाऊँगा चारोलेट लेक के पास, और वहीं पर सारे मेन पॉइंट है जो आपको दिख रहे हैं। तो ये परेश भाई है, ये हॉर्स राइडर है, तो क्या चार्ज लेते हो आप ऐसे पॉइंट घुमाने का? सर 12 पॉइंट जाने करेंगे ना, उसका 850 लेते हैं। 12 पॉइंट का सर्कल, उसके कितना टाइम लग जाता है? उसके अंदर 2 से 2.5 घंटा होता है। अच्छा, तो 12 पॉइंट का कितना बोला आपने? 850 का रेट है उसका, बट बार्गेनिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग करके हम लोग 700 तक कर, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर। 5 पॉइंट का भी सर्कल है, तो उसके अंदर भी हम लोग 400 का उसका चार्ज लेते हैं, 5 पॉइंट 400 रुपये का। यस, तो घोड़े बहुत है यहाँ पर देखो आप, काफ़ी सारे घोड़े हैं, पूरे रास्ते में आपको घोड़े दिखते हैं। तो ये है खंडाला पॉइंट, देखो आप लिखा हुआ है खंडाला पॉइंट माथेरन, तो यहाँ से खंडाला पॉइंट की एंट्री है। जो माथेरन स्टेशन बताया मैंने आपको, वहाँ से लगभग ये 800-900 मीटर है, नीचे की तरफ उतरना है हमें। तो ये देखो आप सामने, ये है खंडाला पॉइंट, हम पॉइंट पर पहुँच गए हैं। तो वहाँ ऊपर से आए हम, देखो आप वो सीढ़ी आ रही है, ज़्यादा नहीं है नीचे उतरने का, लगभग 200 मीटर है, और यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है, इसे खंडाला पॉइंट कहते हैं। तो ये नीचे का नज़ारा देखो आप, यहाँ से नीचे की जो वैली है वो, उसका पूरा व्यू दिखता है देखो आप। तो ये खंडाला पॉइंट था, आपको दिखाया, काफ़ी अच्छा नज़ारा था नीचे का। अभी यहाँ से चलते हैं फिर से आगे की तरफ। वैसे मैंने आपको खंडाला पॉइंट बताया था, तो उससे अगर हम आगे जाते तो रामबाग पॉइंट आता, अलेक्जेंडर पॉइंट आता, इस तरह से 3-4 पॉइंट है, लेकिन जो व्यू मैंने आपको खंडाला पॉइंट से बताया था वही व्यू आपको वहीं से भी मिलता, तो इसीलिए मैं फिर आगे नहीं गया। तो अभी मैं आपको चारलोट लेक लेके जा रहा हूँ, जो कि माथेरन का सबसे मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो चारलोट लेक ही जाते हैं माथेरन में, और उसके आसपास में सारे पॉइंट बने हुए हैं 3 से 4। तो यहाँ से हम आए हैं, और ये बड़ा सा गेट बना हुआ है देखो आप इस तरफ में, पिसरनाथ मंदिर, ये यहाँ के गांव देवता बताते हैं यहाँ के माथेरन के, और यहीं पर आके सारे पॉइंट है, चारलोट लेक भी यहीं पर है, इसके अलावा इको पॉइंट, लुइजा पॉइंट, सारे पॉइंट यहीं पर है मेन। तो अंदर चलते हैं। तो बिल्कुल शांति है यहाँ पर, पक्षियों की बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है,
और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो देखो आपको नज़ारा दिखेगा अभी सामने, वहाँ पर वो ब्रिज दिखेगा आपको, और ये चार लोट लेक है पूरा, काफ़ी सुंदर लेक है ये। नीचे लेक है, ऊपर ये सूखा पेड़ है, बाकी सामने पूरी ग्रीनरी है, तो काफ़ी प्यारा नज़ारा है। और इस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये रास्ता जाता है मंदिर के लिए, सामने वहाँ पर मंदिर है, देखो आपको दिख रहा होगा पीछे की बिल्डिंग। यहाँ पर ये सारे नाश्ता वगैरह के लिए स्टॉल बने हुए हैं, मैगी वगैरह मिल जाती है आपको, नाश्ता मिल जाता है यहाँ पर। और ये लेक है, ये जो आपको दिख रहा है ये मेन पॉइंट है यहाँ का। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, लेकिन पहले हम चलते हैं यहाँ से आगे मंदिर के लिए। तो मैं यहाँ से आया हूँ चारलोट लेक के साइड साइड से होता हुआ, इस तरफ से ऊपर आया हूँ, और ये मंदिर है विश्वनाथ महादेव। यहाँ पर ये गेट बना हुआ है, लेकिन ये गेट अभी बना है, इसका जो मेन एंट्री है वो यहाँ से है, इस तरफ से। तो ये मंदिर है पिशारनाथ, जो कि यहाँ के गाँव देवता है माथेरान के, और इसे पिशारनाथ कहते हैं, पिशारनाथ महादेव का मंदिर है ये। तो ये मंदिर का पैसेज है, और ये सामने मंदिर है, यहाँ से अंदर चलते हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो शिव जी का शिवलिंग है, और ये स्वयंभू है, बताते हैं ये स्वयंभू है, और ये यहाँ के गांव देवता है पिशारनाथ माथेरान के। पीछे जो फोटो लगा है देखो आप, वो पुराना वाला है शिवलिंग, पहले सिर्फ एक शिवलिंग था और मंदिर नहीं था, तो बाद में ये मंदिर बना है। तो ये पीछे मंदिर था पिशारनाथ महादेव, मैंने आपको बताया, मैं बाहर आ गया हूँ अभी। यहाँ पर ये सारे फूड स्टॉल वगैरह बने हुए हैं, तो पैदल चलकर थोड़ा थक गए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ हल्का पुल्का नाश्ता करते हैं, नींबू पानी वगैरह पीते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वड़ा पाव लिया है, देखो आप, महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है ये वड़ा पाव। बीच में अंदर एक वड़ा होता है, ऊपर पाव होता है, इसे कहते हैं वड़ा पाव, और लगभग 20 रुपये का है ये, और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है ये। तो महाराष्ट्रियन लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसे, वड़ा पाव को, अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। तो पीछे वड़ा पाव खाया, अच्छा लगा, थोड़ा नाश्ता हो गया, एनर्जी आ गई। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लॉर्ड पॉइंट, लॉर्ड पॉइंट के लिए चलते हैं नीचे, ऐसा लिखा हुआ था, 1 मिनट, देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने में। तो ये आ गया लॉर्ड पॉइंट, बिल्कुल पास में ही है, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ था 1 मिनट में पहुँच जाओगे, तो पहुँच गए हम लॉर्ड पॉइंट पर। तो ये देखो ये नज़ारा है यहाँ से नीचे का, लॉर्ड पॉइंट से काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और ये नीचे जो है वो डैम है, सामने ये पानी का झरना देखो, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। काफ़ी दूर है ये, ये सारी जो जगह है आपको टेलीस्कोप से दिखती है, यहाँ पर लिखा हुआ है दूरबीन वाले से संपर्क करें। तो टेलीस्कोप से सब कुछ अच्छे से दिखता है, जो टेलीस्कोप वाला बंदा है वो आपको दिखाता है, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो लॉर्ड पॉइंट से बाहर आ गया हूँ मैं, और ये चारलोट लेक है, और चारलोट लेक ही मेन सोर्स है यहाँ पर पीने के पानी का माथेरान में, तो यहीं से सप्लाई होता है पूरा पानी पीने का माथेरान को, और काफ़ी अच्छा लेक है। हम उस तरफ से आए थे पहले घूमते हुए, फिर वहाँ से हमने मंदिर में दर्शन किए थे, और वहाँ से हम गए थे इस तरफ में लॉर्ड पॉइंट के लिए। तो उस तरफ से हम आए हैं चारलोट लेक को घूमते हुए आगे से, और ये नज़ारा है देखो आप, पानी का कितना बढ़िया है। तो ये चारलोट लेक का नज़ारा मैंने आपको बताया, देखो कितना सुंदर नज़ारा है,
काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर बिताते हैं लोग, फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से ये लेक का पानी इधर से नीचे आता है और यहाँ से फिर इस तरफ होते हुए आगे जाता है नीचे। तो अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ भी जाने वाले हैं, यहाँ पर आगे सिलिया पॉइंट है, उस तरफ बढ़ेंगे। तो हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, सामने वो चारलोट लेक था जो मैंने आपको बताया, यहाँ से रास्ता जाता है ये नीचे। तो सामने वहाँ पर सिलिया पॉइंट है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता फिलहाल थोड़ा बंद है। देखो आप, इस तरह पूरा एक कीचड़ है और यहाँ से फिर आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर वो पानी है, तो पानी में से होते हुए जाना पड़ेगा सब निकाल के, शूज़ वगैरह, तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, ये सिलिया पॉइंट है। ऊपर बादलों का जो नज़ारा आ रहा है वो देखो आप, क्लाउड कितने बढ़िया दिख रहे हैं, बादलों के पीछे सन है और सन की हल्की हल्की लाइट दिख रही है, मज़ा आ गया देखकर, क्या सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ से नीचे आगे पूरी खाई है और वहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स वाटरफॉल चलता है। मॉनसून में जब काफ़ी सारा पानी होता है और हवा तेज़ होती है तो नीचे से रिवर्स वाटरफॉल दिखता है, तो काफ़ी सुंदर दिखता है, लेकिन फिलहाल वो नज़ारा नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल मॉनसून थोड़ा कम हो गया है। तो तेज़ जब बारिश होती है, मॉनसून एकदम तेज़ी में चलता है, तब वो नज़ारा दिखता है। तो नीचे से मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ यहाँ पर, और ये आगे रास्ता जाता है दूसरे पॉइंट के लिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रास्ते बड़े शांत हैं यहाँ के, पेड़ों के बीच में से, जंगलों के बीच में से रास्ते बने हुए हैं, तो चलने में काफ़ी बढ़िया लगता है। सीरिया पॉइंट से मैं आया हूँ, इस रास्ते से लगभग 500 मीटर आगे आया हूँ मैं, और ये रास्ता जाता है आगे एडवर्ड पॉइंट के लिए। आगे तीन पॉइंट है, एडवर्ड पॉइंट, किंग जॉर्ज पॉइंट और इको पॉइंट। तो यहाँ से हम अंदर बढ़ेंगे और फिर घूमते हुए हमें इसी रास्ते से नीचे से ऊपर आना है, और हम यहाँ पर आएंगे सामने जो आपको सर्कल दिख रहा है, सारे घोड़े खड़े हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, किंग जॉर्ज पॉइंट। तो ये रास्ता किंग जॉर्ज पॉइंट का है, इस तरह का रास्ता है देखो आप नीचे जाने का, और बारिश के पानी से पूरा भीगा हुआ है तो थोड़ा फिसलन भी है, तो थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ता है। तो ये किंग जॉर्ज पॉइंट है, देखो आप हम पहुंच गए यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे उस तरफ जाके। तो ये नज़ारा है देखो आप किंग जॉर्ज पॉइंट का, काफ़ी बढ़िया सुंदर नज़ारा है, सामने वाटरफॉल दिख रहा है बढ़िया सा, और नीचे का डैम दिख रहा है जो मैंने आपको लॉर्ड पॉइंट से दिखाया था, और बाकी सामने की जो पहाड़ी है वो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये इस किंग जॉर्ज पॉइंट से नज़ारा है, तो ये वाटरफॉल है सामने का, और जो मैंने आपको बताया था रिवर्स वाटरफॉल, वो यहीं से पानी उठता है जब काफ़ी तेज़ हवा होती है, तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे वाटरफॉल रिवर्स हो रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं रिवर्स वाटरफॉल। फ़िलहाल अभी ये नॉर्मल है, तो काफ़ी दूर है वैसे यहाँ से वाटरफॉल, मैंने आपको जूम करके दिखाया, बाकी सुंदर काफ़ी दिखता है यहाँ से, अच्छा दिखता है एकदम। तो ये पॉइंट था, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो किंग जॉर्ज पॉइंट से मैं आगे की तरफ आ गया हूँ थोड़ा, और लगभग 200-300 मीटर आगे ये एक पॉइंट है, और ये इको पॉइंट है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इको पॉइंट, ये यहाँ का काफ़ी फेमस पॉइंट है इको पॉइंट। ये इको पॉइंट है, और इस तरफ का नज़ारा सेम है जो मैंने आपको उस तरफ से बताया था, वो जो पॉइंट दिख रहा है आपको किंग जॉर्ज पॉइंट, तो पास में ही है बिल्कुल, 300 मीटर आगे है ये उससे, किंग जॉर्ज पॉइंट से। यहाँ पर वाटरफॉल है और उस तरफ भी छोटा सा वाटरफॉल है, तो ये इको पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ आपको ही सुनाई देगी फिर से। तो ये इको पॉइंट था, मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ से भी। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा,
अभी लगभग 2 पॉइंट और बाकी है, लेकिन वो थोड़े दूर है यहाँ से, तो जाने में लगभग आधा पौना घंटा लगेगा। तो फटाफट बढ़ते हैं यहाँ से, और गर्मी की वजह से थोड़ी एनर्जी भी लेस हो गई है, तो थोड़ा सा कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं यहाँ से, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी बाहर जा रहा था मैं, यहाँ से आगे की तरफ निकल रहा था इको पॉइंट से, लेकिन अचानक इतनी तेज़ बारिश आई कि मौसम पूरा बदल गया, और बिल्कुल भी यहाँ पर उजाला नहीं है, धूप नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर फॉग हो गया है पूरा मौसम में, और पूरा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा वापस बैठते हैं, तो यहाँ पर मुझे एक सब्सक्राइबर मिले मेरे, और उन्होंने थोड़ी हेल्प भी की है, तो पहले मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तो ये है सुरेश भाई, हेलो कर दो। हेलो। तो ये सुरेश भाई है और महुआ से है, महुआ सौराष्ट्र गुजरात से। तो मैंने आपको बताया था कि मैं मेरा पर्स भूल गया था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे आज, और यहाँ पर गूगल पे चलता नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पर नेटवर्क आता नहीं है। तो मैंने इनको ये स्टोरी बताई क्योंकि ये रेगुलर वॉच करते हैं वीडियो, तो इन्होंने बोला कि आप कैसे हो, कहाँ से आए, तो मैंने थोड़ा बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो इन्होंने मुझे कुछ पैसा दिया और बोला रिटर्न नहीं चाहिए, आप रखो, लेकिन मैंने बोला रिटर्न करूँगा, इसी शर्त में मैं लूँगा। तो थोड़ी इन्होंने हेल्प की है, इसके लिए थैंक यू सुरेश भाई, आप मिले तो अच्छा हुआ मेरे लिए भी। तो पीछे इको पॉइंट था, मैंने आपको भाई साहब दिखाए जिन्होंने मेरी मदद की। तो सुबह से सीन कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ में कि आपको क्या बताऊं, मैं ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। तो मैंने उल्लासनगर में स्टे लिया था, नाइट स्टे, और वहाँ पर मेरे जो रिलेटिव है उनके यहाँ मैं ठहरा था, और सुबह में मैं जब वहाँ से निकला तो मेरा जो वॉलेट है वहीं पर भूल गया, क्योंकि रिलेटिव के यहाँ था तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उस चक्कर में वॉलेट वहीं रह गया। फिर जब मैं यहाँ पर पार्किंग करने के लिए आया माथेरन पार्किंग में, दस्तूरी नाका जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने कैश पैसा मांगा, तो मैंने देखा पर्स ही नहीं है मेरे पास में। तो मैंने सोचा गूगल पे वगैरह कर लेंगे तो एक बार चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल आता नहीं है, तो गूगल पे भी नहीं हो रहा है। तो काफ़ी परेशान हुआ, लगभग आधा पौना एक घंटा मेरा उसमें बिगड़ गया पैसे का सेटिंग करने में, क्योंकि अगर मैं उल्लासनगर फिर से जाता तो 1.5 घंटा जाने में लगता, 1.5 घंटा आने में लगता, तो 3 घंटा हो जाता, तो लगभग दोपहर के 2-3 तो उसी समय बच जाते, तो वो भी हो नहीं सकता था। तो फिर मैंने यहीं से कुछ सेटलमेंट किया, एक भाई मिले, उन्होंने मदद की, सब्सक्राइबर थे वो भी और गुजरात के थे, तो 500 रुपये उनसे लिए, और उसके बाद में फिर मैंने टिकट लिया माथेरन का एंट्री टिकट, और फिर अंदर आया तो 100-150 रुपये एंट्री फ़ी में और टॉय ट्रेन में लग गए थे। उसके बाद में फिर यहाँ पर ऊपर आके पानी की बॉटल वगैरह ली, कुछ नाश्ता वगैरह किया, चाय पी, उसमें पैसा खर्च हो गया। तो यहाँ पर जाते समय ये सब्सक्राइबर मिल गए थे, मैंने आपको बताया, इन्होंने मेरी मदद की, मैंने इनको स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ माथेरन में। वैसे मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए हैं मेन, इसके अलावा और भी 2-3 मेन पॉइंट है जो मुझे आपको दिखाने चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, और समय क्यों नहीं है उसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी कि आज क्या क्या हुआ। तो इको पॉइंट से मैं ऊपर आ गया हूँ फिर से, ये नज़ारा मैंने आपको दिखाया था, अभी यहाँ से मार्केट की तरफ चलते हैं, यहाँ से आगे की तरफ है। तो मार्केट में आ गया हूँ मैं, आप देखो ये पूरा मार्केट है, अभी फ़िलहाल गणपति के हिसाब से मार्केट वाले सारे स्टॉल बंद करके गणपति में लगे हुए हैं, नहीं तो काफ़ी रौनक होती है यहाँ पर। क्या हाल चाल भैया, बढ़िया हो? अच्छा, आज ऐसे खाली खाली क्यों हो माथेरन? तो यहाँ का माथेरन में देखिए कहते हैं ना पॉप, मुझे हर लोगों के पास गणपति बैठ जाते हैं, तो इसकी वजह से है ना उन्होंने शॉप बंद रखा है। अच्छा, जिनका शॉप है वो सब बंद किया हुआ गणपति के लिए, उनके घर में गणपति है इसीलिए सुना लग रहा है। तो ये मार्केट ही है पूरा, मैंने आपको बताया था जाते समय भी, और अभी मैं पहुँच गया हूँ लगभग स्टेशन के आसपास में। बाकी मार्केट सुना क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, रीज़न गणपति है इसके पीछे, जिनकी दुकानें हैं जैसे देखो ये सारी दुकानें बंद है, तो इनके घर पर गणपति है, तो इसलिए इन्होंने दुकान बंद रखी है, तो गणपति की वजह से मार्केट थोड़ा सुना है। तो अभी नीचे जाने के लिए भी टॉय ट्रेन नहीं मिलेगी, 4:30 बजे लास्ट टॉय ट्रेन चलती है। अभी मुझे यहाँ से यहाँ तो घोड़ा लेना होगा या पैदल जाना होगा, तो मैं पैदल ही जाऊँगा नीचे, और नीचे पहुँचने में लगभग आधा घंटा लगेगा पार्किंग तक, जहाँ पर गाड़ी पार्क की है। तो अभी यहाँ से नीचे उतरना है, लगभग मेरे को आधा घंटा लगेगा नीचे जाने में, 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, और ये जो ट्रैक दिख रहा है आपको उसी ट्रैक के सारे आगे तक बढ़ना है इस तरफ में। तो अगर आपको यहाँ पर आना है माथेरन में तो आप नेरल उतर सकते हो, नेरल रेलवे स्टेशन है, काफ़ी सारी ट्रेन चलती है वहाँ पर, जो ट्रेन मुंबई नहीं जाके बेंगलोर साइड जाती है वो यहीं से जाती है नेरल होते हुए, तो आप वहाँ से सीधा यहाँ आ सकते हो, 7 किलोमीटर पड़ता है नेरल से ये माथेरन। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आप मुंबई आ सकते हो, मुंबई एयरपोर्ट नज़दीक का एयरपोर्ट है,
और उसके अलावा कल्याण रेलवे स्टेशन पास में बड़ा रेलवे स्टेशन, अगर आपके वहाँ से ट्रेन नहीं है नेरल की तो आप कल्याण आ सकते हो, या फिर आप सीधे मुंबई आ सकते हो और वहाँ से फिर माथेरन आ सकते हो, पास में पड़ता है। लगभग आपको मुंबई से माथेरन आने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो मेरे से 2 पॉइंट छूट गए जो आपको बताने चाहिए थे। एक तो सबसे पहले लुइसा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, इको पॉइंट से लगभग 2 किलोमीटर था, लेकिन वो 2 किलोमीटर जाने और आने में लगभग 4 किलोमीटर होता है, तो 1.5 घंटा तो आने जाने में लगता है, और बारिश भी काफ़ी हो रही थी और टाइम भी हो गया था, तो इसीलिए मैं गया नहीं। तो एक पॉइंट तो यही है लुइसा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है पनोरमा पॉइंट। वहाँ से आपको 360 डिग्री का व्यू मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से पहले नीचे जाना पड़ेगा। जो मैंने आपको अमन लॉज रेलवे स्टेशन बताया था, वहाँ से नीचे पार्किंग है जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की थी, वहाँ से फिर उसका रास्ता जाता है और लगभग 20-25 मिनट लगता है आपको उधर पहुँचने में। और उसके पास में एक बड़े से गणपति है 50 फीट के, कड़ियावर्चा गणपति बोलते हैं उसको, तो वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो अगर आप माथेरन आते हो तो ये 2 पॉइंट भी आप कवर कर लेना जो मैंने बताया, उसके अलावा तो आपका माथेरन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो यहाँ 3 दिन रुक सकते हो और सारे पॉइंट भी देख सकते हो, लेकिन पॉइंट सारे एक जैसे ही है तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो ये था माथेरन जो कि काफ़ी बढ़िया हिल स्टेशन है, और यहाँ पर पॉल्यूशन 0 है, मैंने आपको बताया इसका प्लस पॉइंट, और दूसरा यहाँ की टॉय ट्रेन, तो ये 2 चीज़ें इसे स्पेशल बनाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो